अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 8.5 और 8.6 जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो 8.5 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। वो ये बता रहा है कि आप लोगों के पास वाटर है 0.5 किलोग्राम मीन्स हाफ लीटर जो है वो आप लोगों के पास वाटर है। इस वाटर का आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 10 सेल्सियस टू 65 सेल्सियस। इट मीन्स कि आप लोगों ने ये बताना है कि इसे जब हीटअप किया जाएगा तो वाटर कितनी हीट जो है वो अब्जॉर्ब करेगा कि वाटर का टेम्परेचर जो वो चेंज हो जाएगा 10 डिग्री टू 65। मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, 10 से इंक्रीज़ होकर 65 तक वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब्जॉर्ब हीट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल में। तो हमें गिवन डेटा कि हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें मैथ्स की 0.5 किलोग्राम और हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग केल्विन में कर लेते हैं तो 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 283 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर हमें गिवन है 65 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में हम लोग कर लेते हैं तो 273 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3338 केल्विन। और चेंज इन टेम्परेचर हम लोग देख लेते हैं। हमारा चेंज इन टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T1, तो ये आ जाएगा 338 माइनस 283। ये हमारा आंसर आता है चेंज इन टेम्परेचर जो है ये हमारा आ जाएगा 55 केल्विन। और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने अब्जॉर्ब्ड हीट फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट हम लोगों ने क्या करना है, अब्जॉर्ब्ड हीट। मींस हम लोगों ने डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला लिख लेते हैं डेल्टा क्यू का। डेल्टा क्यू का फार्मूला हम लोग मेंशन करते हैं। फार्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम जो है वो मैस है, सी जो है वो स्पेसिफिक हीट है, और चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पे आप लोगों को जो लिक्विड बताया गया वो वाटर बताया गया, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू भी फिक्स है, वो है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये वाटर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फिक्स है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। तो आप हम लोग फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। मैस जो है वो है 0.5, स्पेसिफिक हीट है 4200 और डेल्टा टी जो है वो 55 है। तो इसे हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हम लोग लिख लेते हैं 42। हमारा आंसर आता है 1155 जूल। तो जो हीट अब्सॉर्ब होगी वो हमारी कैलकुलेट होगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8.6 वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 8.6 के स्टेटमेंट पर 8.6 में क्या कहा गया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 टू 90 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों को बताया कि वाटर है, ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इसके ऊपर आप लोगों ने वाटर बीकर में वाटर लिया है 200 ग्राम आप लोगों ने वाटर लिया, मीन 0.2 किलोग्राम आप लोगों ने वाटर लिया। इसे आप लोगों ने हीटअप करना है। इस इलेक्ट्रिक हीटर की जो पावर है वो 1000 जूल पर सेकेंड है। इसे हीटअप आप लोगों ने करना है तो इसका वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 सेल्सियस से 90 सेल्सियस तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने वो रिक्वायर्ड टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है जो कि हमें रिक्वायर्ड है वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए 20 से 90 सेल्सियस। तो हम लोगों ने ये टाइम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हमें गिवन डेटा क्या है। हमें पावर गिवन है जो कि है 1000 जूल पर सेकेंड
और हमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 20 सेल्सियस, इसको हम लोग केल्विन में कर लेते हैं तो प्लस 273 करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 293 केल्विन। और T2 जो है वो हमारा 90 सेल्सियस है, इसको भी हम लोग केल्विन में कर लेते हैं तो प्लस 273 हम लोग करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 363 केल्विन। और चेंज इन टेम्परेचर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 तो ये आ जाएगा 363 माइनस 293, तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा फाइंड आउट हो गया 70 केल्विन। और हम लोगों ने एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है वो हम लोग लिख लेते हैं, फाइंड आउट हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट करना है जो कि रिक्वायर्ड है वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, कि वाटर का टेम्परेचर 20 से 90 डिग्री तक इंक्रीज़ होने में कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है, तो टी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिक हीटर की पावर बताएगी, इसका मतलब है आप लोग पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क टाइम डिवाइडेड बाय टी टाइम। वर्क टाइम बेसिकली क्या होता है, वर्क बेसिकली ये होता है कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी में मूवमेंट आती है, बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है जो कि वर्क टाइम के इक्वल होती है, जो आप लोग बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो वो फोर्स उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी में जो है वो स्टोर हो जाती है और बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोग वाटर डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रहा लेकिन वाटर में हीट अब्सॉर्ब हो रही जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा 20 से 90 डिग्री, तो इस केस में वर्क टाइम जो होगा वो हमारा अब्सॉर्ब एनर्जी होगी यानी कि क्यू होगा, तो वर्क टाइम इस केस में हमारा क्या होगा क्यू डिवाइडेड बाय टी, क्यू जो क्यू क्यू मीन्स अब्सॉर्ब एनर्जी जो कि वाटर में अब्जॉर्ब हो गया, वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया, तो पावर का यूनिट आगे क्यू डिवाइडेड बाय टी। पीछे हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये हम लोगों ने पीछे न्यूमेरिकल में पढ़ा था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा सी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं सिंपल क्यू लिख रही हूँ, डेल्टा क्यू नहीं लिख रही, क्यों, क्योंकि इसमें पावर आप लोगों को बताई कि 1000 जूल पर सेकेंड मीन्स जो हीट अब्सॉर्ब हो रही है वो 1000 जूल है, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग डेल्टा क्यू नहीं लिखेंगे बल्कि सिंपल क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे क्यू का फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी, सी जो है वो स्पेसिफिक हीट होती है, यहाँ पे वाटर यूज़ हो रहा है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये वैल्यू आप लोगों को फिक्स होनी याद होनी चाहिए क्योंकि ये फिक्स है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फिक्स है ये आप लोगों ने याद कर लेनी। अब फार्मूले में हम लोग सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं, मैस जो है वो मैस हम लोगों को गिवन है 200, मैस जो हम लोगों को गिवन था 200 ग्राम था, वो मैं लिखना भूल की वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, मैस की वैल्यू भी लिख लेते हैं, मैस इज इक्वल टू 200 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.2 किलोग्राम मैस, तो मैस की वैल्यू जो है वो 0.2, स्पेसिफिक हीट 4200 और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री केल्विन है और जो टाइम है वो हमें गिवन, टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट करना और जो पावर है वो हमें गिवन है 1000, तो इससे हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 जो है वो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो हम लोग टाइम जो है वो इधर पावर की वैल्यू को इधर डिवाइड कर देंगे 1000 को, तो ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं 0.2 मल्टीप्लाई पर 4200 मल्टीप्लाई पर 70, तो ऊपर जो हमारा आंसर आता है वो हम लोग लिख लेते हैं, ये आता है हमारा आंसर 5880 डिवाइडेड बाय पे हम लोगों ने 1000 कर देना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 58.8।
तो टाइम जो है वो हमारा है 58.8 सेकेंड। तो हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो आज के जो दो न्यूमेरिकल्स थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टू न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।